अपराजिता का पौधा एक बहुत ही बेहतरीन फूल देने वाला पौधा होता है। इसके फूल देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अपराजिता के पौधे को हम लोग घर पर क्यारी में, गमले में या फिर ज़मीन में 3 वजह से खास करके लगाते हैं। पहली वजह होती है, अपराजिता के पौधे को शुभ माना जाता है, एक धार्मिक पौधा माना जाता है। इस वजह से हम इसको खास करके अपने घर पर लगाना पसंद करते हैं। और दूसरी वजह होती है, ये एक मेडिसिनल भी प्लांट है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। इस वजह से भी हम अपने घर पर इस पौधे को लगाना पसंद करते हैं। और तीसरी वजह होती है, इसके फूल देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं, तो हर इंसान इसको लगाना पसंद करता है, वो चाहे हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से या फिर धार्मिक हिसाब से, या फिर आप किसी भी धर्म को नहीं मानते, अगर आप नास्तिक भी हैं तब भी आप लोग इस पौधे को अपने घर पर लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ही बेहतरीन फूल आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पौधे पर फूल ही नहीं आते और आपका पौधा धीरे धीरे पत्तियाँ पीली करके सारी की सारी पत्तियां को छोड़ देता है और आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग हमारा ये पौधा देख रहे हैं, हमारे इस पौधे की भी यही कंडीशन है। हमारे इस पौधे पर ना तो फूल आ रहे और ना ही नई ग्रोथ है, बल्कि जो पुरानी पत्तियां हैं वो भी धीरे धीरे पीली होकर के झड़ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी यही शिकायत है कि आपने अपने घर पर गमले में, क्यारी में, ज़मीन में या फिर अपने टेरेस गार्डन में कहीं भी अपराजिता के पौधे को लगा रखा है और आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ नहीं चल रही, फूल नहीं आ रहे, पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके अपराजिता के पौधे के लिए एक बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइज़र, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके अपराजिता के पौधे पर हमारे इस दूसरे अपराजिता के पौधे की तरह ढेर सारे फूल आना स्टार्ट कर दे हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अपराजिता के पौधे पर ढेर सारे फूल आएँ, तो इसके लिए आप लोग वीडियो पूरा देखें। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आएँ तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। देखिए, अपराजिता के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त करने के लिए, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या फिर आपका अपराजिता का पौधा पीली पत्तियां न करे, इसके लिए आपको पूरी बात हमें स्टार्टिंग से बतानी होगी, तभी आप लोग अच्छे तरीके से अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो अपराजिता का जो पौधा होता है, ये एक ऐसा पौधा होता है, इसको खास करके पानी चाहिए ही चाहिए होता है, यानी कि इस पौधे की मिट्टी में हमेशा नमी रहनी रहनी चाहिए। अगर ज़रा से भी पानी की कमी हो गई फ्लावरिंग के समय या फिर अच्छी ग्रोथ के समय, तो आप लोग समझ जाइए कि आपके पौधे की हालत खराब हो सकती है। हमारे इस पौधे की जो ये हालत हुई है, ये हुई है पानी की कमी की वजह से। खास करके बारिश में क्या होता है कि बारिश के सीजन में अपराजिता के पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रेट होता है और मिट्टी में जाने के बाद वो नाइट्रोजन में बदल जाता है। इससे पौधे की ग्रोथ शानदार हो जाती है, पौधे की पत्तियाँ लस्क ग्रीन हो जाती हैं। लेकिन बारिश होने के बाद जब बारिश 2-3 दिन तक नहीं होती है, तो धूप बहुत तेज़ पड़ती है। ज़्यादा धूप तेज़ होने की वजह से आपके पौधे की मिट्टी का जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो सारी की सारी उड़ जाती है और अचानक से आपके पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी हो जाती है, तो पौधा डिहाइड्रेशन में पहुंच जाता है, यानी कि पानी की कमी की वजह से आपका पौधा धीरे धीरे पत्तियों को पीला करना शुरू कर देता है और लास्ट में क्या होता है कि सिर्फ टहनियाँ भी बाकी बचती हैं और सारा का सारा पौधा सूख जाता है। तो बारिश के सीजन में आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है, बारिश हो या नहीं हो, आपको पानी की कमी नहीं रखनी है अपने अपराजिता के पौधे में, क्योंकि एक बार जब पानी बारिश हो जाती है, तो हम कई दिन तक पानी नहीं देते हैं और वही लापरवाही हमारे पौधे को पूरे तरीके से नष्ट कर सकती है, पूरे तरीके से ख़राब कर सकती है। अगर बारिश आज होती है तो दूसरे दिन को नहीं होती है, तब आपको पानी देना ही देना है। आप लोग 2 बार भी दिन में पानी देते हैं, तब भी आपके अपराजिता के पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करता है। इससे इसके अलावा अपराजिता का पौधा जो होता है, ये सनलविंग प्लांट होता है, इसको आपको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना ही रखना होगा, अगर आप लोग इसकी अच्छी ग्रोथ को चाहते हैं तो। अगर आप लोग ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर पेड़ की छाया रहती हो या फिर धूप कम मिलती हो, तो आपके अपराजिता के पौधे की पत्तियाँ लस ग्रीन रहेंगी, पौधे की ब्रांचेस काफ़ी बढ़ जाएंगी, लेकिन आपके पौधे पर जितने फूल आना चाहिए उतने फूल नहीं आएंगे। मतलब 20-30% फूल आएंगे 100% में, तो आपका अपराजिता का पौधा जो होता है, अच्छी फ्लावरिंग के लिए पूरा दिन की धूप चाहता है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको इसको पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो 50% वाले ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं, उसमें भी आपका पौधा अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है, अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका अपराजिता का पौधा ढेर सारे फूल दे, छोटे ही पौधे पर ढेर सारे फूल आएँ, तो आपको अपराजिता के पौधे पर, जैसे कि यहाँ पर ये ब्रांचेस देख रहे हैं,
इस तरीके से टॉप की ब्रांचेस को कट करते रहना होता है। इससे क्या होता है कि आपके पौधे पर नई ब्रांचेस आती हैं और पौधा घना हो जाता है, और जब पौधा घना होता है तो आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो समय समय पर आप लोग इस तरीके से अपने पौधे की इस तरीके से पिंचिंग करते रहें। पिंचिंग करने से आपके पौधे पर ढेर सारे फूल आ जाते हैं। अपराजिता का जो पौधा होता है ये सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि उस समय इसका आराम का समय होता है। तो आपको अपराजिता के पौधे पर कोई भी फूल देखने को नहीं मिलता है, बल्कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप लोग ये ना समझें कि यार हमारा अपराजिता का पौधा सर्दी के मौसम में ख़राब हो गया। तो आपका पौधा ख़राब नहीं होता है, बल्कि आराम कर रहा होता है। जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो आपके पौधे पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र अपने अपराजिता के पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि जैसे पौधा रखा है डायरेक्टली सनलाइट में वैसे ही उसको छोड़ देना है, और किसी भी तरह का कोई भी टच वगैरह नहीं करना है, बल्कि आपको समय समय तक पानी देते रहना है और ना ही उसमें कोई भी खाद देनी होती है। इसके अलावा जैसे ही फरवरी का महीना आए तो आप लोग उस समय पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइज़र ऐड कर दें और हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग करने के बाद आपके अपराजिता के पौधे पर नई ग्रोथ होती है, और आने वाले समय में जैसे ही फरवरी का लास्ट होता है आपके अपराजिता के पौधे पर फिर से ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब चलिए अपराजिता के पौधे की फिर से ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फिर से अच्छी फ्लोवरिंग लेने के लिए इस पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइज़र ऐड कर लेते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र को ऐड करने से पहले आपके अपराजिता के पौधे की मिट्टी में जो कि सूखी पत्तियां गिर जाती हैं या फिर इन्फेक्टेड पत्तियां, बीमार पत्तियां होती हैं, तो उन पत्तियों को निकाल दीजिए, या फिर जो भी घास वगैरह होती है अनवांटेड पौधे होते हैं उनको भी निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, अपराजिता के पौधे की मिट्टी में गुड़ाई न करें। कई बार हम लोग गुड़ाई कर लेते हैं, इससे आपके अपराजिता के पौधे की जड़ें कट जाती हैं, और एक बार जब जड़ें कट जाती हैं तब आपके पौधे को झटका लग सकता है, और झटका लगने के बाद फिर से आपका पौधा फ्लोवरिंग को रोक सकता है, ग्रोथ को रोक सकता है। तो मेरे हिसाब से अपराजिता के पौधे की मिट्टी में कभी भी गुड़ाई न करें। यहाँ पर जो आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं ये आपके घर पर आपको आसानी से मिल जाएगी, ये है मट्ठा जिसको छाछ कहते हैं। अगर आपके यहाँ पर नहीं है तो आपको गाँव में तो ये फ्री में मिल जाता है, किसी के भी घर से आप लोग ये ताज़ा मट्ठा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लीटर मट्ठा ले रखा है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए हल्दी। हल्दी एक एंटी फंगल का काम करती है, इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की मिट्टी में जो भी फंगस के बैक्टीरिया होते हैं वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छी फ्लोवरिंग भी होती है, और जो मट्ठा है उसके अंदर काफ़ी हाई लेवल का नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है, दोनों के इस्तेमाल करने से काफ़ी ग्रोथ भी होती है और काफ़ी सारे फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। एक लीटर मट्ठे में हम एक चम्मच के लगभग इस हल्दी को मिक्स कर चुके हैं, और मिक्स करने के बाद इस तरीके से दोनों को अच्छे तरीके से हिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप लोग अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी में हर 15 दिन के अंतराल पर, जब तक आपके पौधे पर अच्छी फ्लोवरिंग न होने हो जाए तब तक आप लोग इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते रहें। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।